ये अपनी कला दिखा रहा है। ये लंबू भाई, हेलो लंबू भाई, बाबू राव गणपत राव आपसे मिल गया हमें। अरे क्या बात है, खतरनाक टैलेंट है जी, कितना बड़ा फेस पहना हुआ है। सामने खड़ी है जी कार्टून करेक्टर वाली गाड़ियाँ और ये लड़कियाँ लेके जा रही हैं इसको, बीच में बच्चे बैठे हैं। आपने मतलब टीम ने मिलके बनाए होंगे ना? हाँ जी हाँ जी, ये स्टूडेंट्स ने बनाया है जी। हेलो, सर कटा भाग गया है। ये नए टाइप का झूला बहुत बड़ा है, तो बड़ा खतरनाक झूला है। इसमें जाने के लिए बंदे को हिम्मत चाहिए। क्या जी, डेडपूल का कार्टून करेक्टर। शाम को सतिंदर सरताज जी आने वाले परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पे। तो जी सामने है लेजर वैली और इधर लेफ्ट साइड में है रोज गार्डन की पार्किंग, तो इधर ही आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बाइक या कार वगैरह लगा सकते हो। तो जी यहाँ से आ गए जी क्रॉस करने का रास्ता। रोड क्रॉस करके हम लोग आ गए इधर और यहाँ से होती है जी एंट्री और पुलिस भी लगी हुई है यहाँ पे। ये मेला 3 दिन के लिए लगा है यहाँ पे, देखो जी लड़ियाँ लगा रखी है, ये रात को जब जगेंगी बहुत ही सही लगेगा। तो जी हम लोग पहुँच गए जी सेक्टर 10 गेड़ी रूट पे, यहीं पे लगा हुआ है जी ये मेला। नमस्कार सत श्री अकाल जी, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ और हम लोग पहुँच गए हैं जी चंडीगढ़ में, जहाँ पे लगा हुआ है चंडीगढ़ कार्निवल और ये बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट मेला लगा है और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लगता है। आज है 25 अक्टूबर और ये 27 अक्टूबर तक रहने वाला है मेला। और पीछे देख सकते हो आईफल टावर है, यही है पहचान इस मेले की। 10 सेक्टर का गेड़ी रूट पे ये मेला लगा हुआ है, लेजर वैली के नाम से मशहूर है और नाम इसका रखा हुआ है चंडीगढ़ कार्निवल। देखो जी कैसे रैंप से बना के इस रोड पर कितना बढ़िया सजाया गया है, बैलून वगैरह लगाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है और उधर झूले भी चल रहे हैं उधरली साइड। ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है गेड़ी रूट, ये गानों में भी आ चुकी है बहुत ज़्यादा। मनकीर तौलक का चंडीगढ़ गाना है, उस गाने में भी ये लोकेशन आ चुकी है और भी बहुत सारी फिल्मों में और गानों में यूज़ हो चुकी है ये लोकेशन। और जी आज यहाँ पे सतिंदर सरताज जी का शो भी है और बोर्ड भी दिखा देता हूँ मैं आपको, टाइम 7 बजे आने वाले है। देखो जी सतिंदर सरताज जी का इन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है, टाइमिंग भी लिखी हुई है 7 बजे, 25 तारीख है आज और आज ही आने वाले हैं ये। तो जी ये है जी एंट्री गेट, वंडरलैंड चंडीगढ़ कार्निवल वंडरलैंड है इसका नाम। वो देखो जी अंदर क्या ही खतरनाक चीज़ें जा रही हैं, जैसे झांकी टाइप नहीं होता, झांकी निकलती होती है वैसे है। ये है जी एंट्री करते ही नज़ारा, फोटो खिंचवा रहे हैं लोग इनके साथ। वो ये जिन खड़ा है, जीनी, हेलो जीनी, हाय हाउ आर यू बॉस। अरे क्या बात है, खतरनाक टैलेंट है जी। देखो जी क्या ही बात है, इस मेले में इन्होंने 4 चांद लगा दिए, क्या बात है। वो इधर आ गया जी मंकी, देखो जी कुत्ते को डरा रहा है। अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है इन्होंने, लंगूर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और ये आदिवासी, ये लंगूर इसको सारे देख रहे हैं। हेलो, पीछे बढ़ गया। ये देखो जी क्या सजाया हुआ है इन्होंने, मिकी माउस टाइप है कुछ और ये लड़कियां लेके जा रही हैं इसको, बीच में बच्चे बैठे हैं, क्या बात है जी। भीड़ बहुत है लोगों की इधर और क्योंकि आज पहला दिन है, बहुत ही खतरनाक मेला है। देखो नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, देखो जी गाड़ी ये अपने आप ही इन लोगों ने तैयार की हुई हैं गाड़ियाँ, देखो जी पेपर वर्क प्लास्टिक और लकड़ी से, हाँ हैंडमेड चीज़ें हैं सारी, शिनचैन लिखा हुआ है पीछे। ये मेला सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम के मतलब रात के 10 बजे तक चलता है ये मेला। ये फाउंटेन बनाया हुआ है इन्होंने बहुत ही बढ़िया, देखो जी ये है जी फाउंटेन और ये चल रहा है, पानी भी भर रही है इसमें, बकायदा पानी भरा जा रहा है, लोग फोटो खींच रहे हैं। और एक ये है, क्या बात है जी बहुत ही बढ़िया, और स्कैनर भी लगाया हुआ है। ओगी है ये, ओगी जो फेमस कार्टून है, जैसे ये ओगी का है
उधर मिकी माउस हो गया और इधर है जी बक्स बनी, बंदे बैठे हैं इस पे और ये इन्होंने खुद ही तैयार किया है मेरे को लग रहा है। स्कैनर भी लगाया हुआ है, बंदे पे भी कर सकते हैं इनको। भाई फ्री है कितने? 50 तुसी कर दे नहीं ना है, मैं वैसे ही है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा तुसी बनाया है। डीजल वैली के सामने। ठीक है मैम, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाई है। तो ये 3 दिन के लिए बहुत कम नहीं है ये, ज़्यादा लिमिटेड तो नहीं है? एकदम से एक्साइटमेंट भी आ रहा है हमें तो, काफ़ी टाइम से एक्साइटमेंट रहती है कि तैयारी करेंगे, तैयारी के टाइम में भी काफ़ी मज़ा आता है। आप भी स्टूडेंट हो? हाँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ये सब बनाने का। तो आपने भी योगदान पाया है इसमें कुछ आप बनाने में? ये सब हमें खुद करना होता है, जैसे कि बम्बू होते हैं उनको कट करके वायर से बांध के और तो उसके ऊपर न्यूज़पेपर लगाते हैं हम, फिर कलरफुल शीट्स लगाते हैं उसके बाद जाके जैसे रावण बनाते हैं उधर। हाँ ठीक है मैम, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। थैंक यू। सामने खड़ी है जी कार्टून करेक्टर वाली गाड़ियाँ हैं। हाँ 50 रुपीज़ पर पर्सन है इसमें। ये देखो जी लोग घूम रहे हैं, 2 बंदों के 100 रुपये देके इसमें बैठ के ये आपको पूरा राउंड लगवाएंगे। ये देखो जी एक टर्टल है, इसमें भी बैठे हैं काफ़ी बंदे। बच्चों की इसमें मेरे को नहीं लगता कि टिकट लगेगी, है ना, बच्चों की फ्री होगी। ये भी चलने लगी है, कह रही साइड हो जाओ। ओगी वाली, हाँ ओगी वाली बढ़िया है, शिप में ओगी ना ऐसे देख रहा है माइक्रोस्कोप ये लगा के ना, दूरबीन सी। और ये सारा स्टूडेंट ने किया है जैसे लड़की ने बताया ना। चलो चलो क्या बात है जी, 50 रुपीज़ पर पर्सन है इसमें। ओगी का करेक्टर बना रखा है और सारे ये स्टूडेंट्स हैं। और लोग देख रहे हैं इनको कि क्या करते हैं। रस्सी पे चल रहा है बंदा, क्या बात है जी, डंडा पकड़ के रस्सी पे चल रहा है। चलो चलो बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, पतली सी रस्सी पे चल रहा है बंदा। ये बंदा लेट गया, क्या बात है, अब झूल के दिखा रहा है। तो गाड़ियों और फाउंटेन से इधरली साइड आके, राइट साइड आके इधर लगा हुआ है जी द चंडीगढ़ कार्निवल सिटको डिलाइट्स। यहाँ पे फूड कोर्ट होगा, अंदर जाके देखते हैं क्या है। बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगाई हुई हैं, टेबल लगे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन सजाया हुआ है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे मैट वगैरह हैं, ये देखो जी प्राइस भी लिखे हुए हैं, जो जो चीज़ आप ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो पूरा अरेंजमेंट है। ये देखो जी शेफ़ हैं जो होटल मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, बना भी रहे हैं और लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। तो इनका भी ये टेस्ट वगैरह रहता होगा, स्टडी का ही पार्ट रहता होगा ये भी। तो ये कॉलेज, ये देखो एक ये भी है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेक्टर 42D। और ये भाई जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं सारे, और यहाँ पे ये खाने पीने का जितना भी है सर्व कर रहे हैं, और ये होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, इनके स्टडी का ही पार्ट रहता होगा ये भी सारा। हम लोग इस मेले में इंजॉय कर रहे हैं, 3 दिन के लिए ये मेला लगा है, आज फर्स्ट डे है और शाम को सतिंदर सरताज जी आने वाले परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आप लोग भी आइए, 2 दिन का ये रह गया है, अभी अगले 2 दिन पड़े हैं अभी, तो आज शाम को शायद ये ब्लॉग हम लोग डाल देंगे। तो जी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, जैसे जैसे शाम और बढ़ रही है, मतलब सूर्य ढलता जा रहा है, लोग और आने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े कामों से फ्री हो गए, पीने वगैरह बजा रहे हैं।
ये रॉक गार्डन में जो डॉल म्यूजियम है वहाँ से लाए गए हैं, मतलब ये वैसा ही है बिल्कुल ही, मेरे को तो लगता है वहीं से लाए गए हैं ये। ये देखो जी, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस मैन, केकड़ा नहीं, क्या चीज़ है। और ये देखो जी, देखो जी सब ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, बहुत ही सतरंगी से बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ें बने हुए हैं। ये देखो जी कितना बड़ा फेस पहना हुआ है, तो ये भाई है, ये अपनी कला दिखा रहा है, सतरंगी भाई जान, बजरंगी भाई। ओ देखो बिना मुंडी के भाई, हेलो बिना मुंडी वाले, ये लंबू भाई, हेलो लंबू भाई। ये वैसा नहीं पहना हुआ इसने, जैसे उसमें होता है हेरा फेरी मूवी में, कौन सी है वो, है ना, उसमें होता है भाई ने वैसे ही पहना हुआ, बाबू राव जैसे, बाबू राव गणपत राव आपते मिल गया हमें। ये भाई लोग क्या बने हैं, हाँ क्या बोलते हैं वो, असुर, असुर सम्राज के लग रहे हैं मेरे को ये। लोगों की भीड़ इनको कैप्चर कर रहे हैं, लोग फोटो खींच रहे हैं इनके साथ, पूरे मतलब लोग ना यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आदिवासियों का झुंड कहाँ से आ गया, ये बच्चों के खरीदने के लिए अलग अलग खिलौने हैं, रंग बिरंगे खिलौने पड़े हैं, और यहाँ पे कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, आगे वीआईपी कुर्सियाँ हैं। यहाँ पे आएंगे सतिंदर सरताज जी जो अपनी परफॉर्मेंस देंगे, आज शाम को 7 बजे बोला गया, 5:30 हो चुके हैं शाम के, और लोग बाकायदा बैठे भी हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे म्यूजिक सेटअप हो रहा है जी, ढोल भी बजा रहे हैं और तगड़ा सेटअप लगा हुआ है, तगड़ा। पुलिस डंडे लेके चारों ओर घूम रही है, और सामने दिख रहे हैं जी झूले, मैरी गो राउंड घूम रहा है बंदा, हालांकि कोई नहीं दिख रहा उसमें, लेकिन लाइटें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये आईफोल टावर पर लाइटें बढ़ चुकी हैं, ये पहचान है गेड़ी रूट की, और गेड़ी रूट पर ही ये मेला लगा हुआ है, ये ऐसा लगा हुआ है, ये फौजी फूजी ऊपर चढ़ के जैसे नज़र नहीं रखते आर्मी वाले, और बीच में दो पंजाबी बंदे भी हैं उनके साथ भंगड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मंकी भी है, शरारत करते हुए लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ और छोटी लड़कियों के साथ, क्या ही बात है, मौज कर रहे हैं, और लोगों की भीड़ उमड़ गई है इनको देखने के लिए। फूड कोर्ट है यहाँ पे, चाट भंडार, चाय की चुस्की, तंदूरी चाय भी है यहाँ पे, कुल्लड़ चाय भाई के देखो कैसे बना रहा है चाय, तंदूरी चाय, हाँ भाई तंदूरी चाय है। कितने की है भैया ये, 30 रुपए की बोलिए, 30 रुपए पर कप है चाय, ये तंदूरी चाय की चुस्की, और तंदूर भी लगा हुआ है साथ में। लो जी गेमिंग सेशन भी है यहाँ पे, गेम वगैरह भी आप लोग खेल सकते हो, प्राइजेस भी जीत सकते हो, क्या ही बात है, रौनक लगी हुई है मेले में चारों तरफ। ये है जी, ये भी गेम है, एंट्री डाल के देख रहे हैं कि कोई निशाना लगे, नहीं लगा। तो बच्चों के लिए झूला जोन आ गई है, और बड़ों के लिए भी है यहाँ पे झूले, और ये ट्रेन चल पड़ी है बच्चों की, चली चली फिर ट्रेन चली किधर को चली, गोल गोल घूमने। और ये देखो जी छोटी किश्ती बच्चों के लिए, क्या ही बात है, क्या बात है, लाइटें बढ़ चुकी हैं जी, क्या बात है, इस झूले का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इधर आ गया एक और गेमिंग सेक्शन जहाँ पे प्राइजेस रहते हैं, वही सेम जैसे वो उधर आंटी खेल रही थी। तो ये देखो जी ये प्राइजेस आपको मिलेंगे, ऊपर रखे हुए सामने वाले प्राइजेस मिलेंगे, बॉलें डालनी चाहिए उस नंबर के अकॉर्डिंग, 50 रुपये गेम के हैं। तो ये लगा हुआ है जी नए टाइप का झूला, इसमें कैसे देखो लोग घूम रहे हैं, गोल गोल घूमते हैं, और ये झूला ऐसे किश्ती की तरह घूमता है, ये नए टाइप का झूला, बहुत बड़ा है, और इसमें बैठे हैं 2 जने बैठे हैं अभी। तो झूले के इधर साइड में आके ट्रेन वाला झूला, और ये बलून शूटिंग गेम है, 50 रुपये है, 6 बलून पे शूट करना है, 50 रुपये है एक बंदे के, 100 रुपये है,
हाँ भाई, ये जो बड़ा झूला है जो ऐसे ऐसे घूम रहा था, इसके 100 रुपये पर पर्सन है इसकी फीस। और ये बच्चों वाला स्विमिंग पूल हर मेले में होता ही है, पर ये क्लीन है, पानी बिल्कुल साफ है, ब्लू ब्लू दिख रहा है पानी। देखो जी बच्चे मज़े कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो जल्दी से जल्दी आइए और इस मेले का लुत्फ उठाइए। तो इस मैरी गो राउंड में बैठने के लिए जा रहे हैं लोग। ये है जी बड़ा मैरी गो राउंड। वाह जी वाह, किश्ती वाला झूला चल रहा है और उधर 360 घूमने वाला हैमर झूला भी चल रहा है। ये देखो जी हैमर झूला, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। आ जा लो, ये आया उल्टा कर देता है ये तो पूरा ही। तो बड़ा ख़तरनाक झूला है, इसमें झूलने के लिए मतलब इसमें जाने के लिए बंदे को हिम्मत चाहिए। अगर आप में हिम्मत है तो इस झूले को आप ट्राई कर सकते हो, हैमर झूला गोल घूमने वाला। ये बंदा रोकने के लिए बोल रहे हैं कुछ बंदे, फिर रोक दे पर ये रोक नहीं रहा। हैमर झूला 360 घूमते हुए। ये है जी भूत बंगला, गाने चल रहे हैं और ये आ गया जी झूला जो एक तरफ से टेढ़ा हो रखा है, गोल गोल घूमता है और ये टेढ़ा हो रखा है एक तरफ से। लाइटें बढ़ रही हैं, अच्छी लग रही हैं इस पर। और ये ब्रेकिंग डांस झूला, हैमर झूला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को। मैं बार बार इसी को देखे जा रहा हूँ, लोग चीखे मार रहे हैं इसमें। अब इंजॉय कर रहे हैं या वो डर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोक दे इसको, ये पता नहीं। बच्चों के झूले बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे और बच्चे बकायदा मज़े भी कर रहे हैं जहाज वाले झूले में। देखो नाइस, वो देखो जी पंपकिन की बक्की बना रखी है, ऊपर बड़ा पंपकिन है। ये मिनियन वाला मिस हो गया था पहले, तो ये अभी दिखा मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको शूट करना शुरू कर दिया है। बंदे वेट कर रहे हैं कि कोई आए इसमें चढ़े। 50 रुपीस पर पर्सन है जी ये। ये शिनचैन तो देख ही लिया आपने, तो देखो जी लकड़ी रस्सियों से बना रखा है। देखो जी अभी हो रहा कोई फोन चार्ज। वो एक ये है जी, ये सेंटर क्लॉज की बक्की है क्या, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लकड़ी का बना रखा है इन्होंने, बहुत ही सही लग रहा है, स्नोमैन बना रखा है। बच्चे खुश हो रहे हैं इसको देख के। और एक भाई ये है मंकी, एक तो उधर था आदिवासियों के साथ, और ये लेके आ रहे हैं भगा के इसको। ये कौन सा है कार्टून करेक्टर, ये कौन सा है, इसका तो मैंने नाम भी नहीं देखा, लिखा नहीं हुआ। लाओ जी, क्या जी डेडपूल का कार्टून करेक्टर इन्होंने बनाया हुआ है। सामने डेडपूल है और यह ग्रीन वाला कौन सा पूल है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका मुंह है, बड़ा मुंह बनाया हुआ है, इस पर बंदा बैठा है। लाओ जी फाउंटेन रखे हुए हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध के, ये खरीद भी सकते हो आप लोग। और कृष्ण आर्ट एंड डेकोर फोटोज लगी हुई हैं। इधर छोटे छोटे प्लास्टिक का सामान है, फुटवेयर है लड़कियों का, कपड़े वगैरह लगे हुए हैं, मतलब वही गारमेंट्स का भी बीच में ही सामान लगा हुआ है खरीदने के लिए। फाउंटेन के इस राइट साइड आके सारी दुकानें लगी हुई हैं इधर सामान खरीदने के लिए। ये 30-30 रुपये सेल लगी हुई है, कोई सा भी सामान ले लो सब 30 रुपये में। इधर आ गया जी किचन वेयर, और जी इन्होंने मशीनें लगा रखी हैं, ऐसे ऐसे काटती हैं ये मशीनें। फ्री इको फ्रेंडली हैंडमेड रंगोलीज, ये इको फ्रेंडली हैंडमेड रंगोली बनाई हुई है लड़कियों ने, कलाकारी की हुई है, बहुत ही बढ़िया, खतरनाक, क्राफ्ट बाजार लिखा हुआ है। ये बुक स्टॉल भी साथ में, कुछ खिलौनों की दुकान लगी हुई है। भाई ये कितने की है? अच्छा ये 450 की है। ये बच्चों के लिए दिवाली के मौके पर लेके जा सकते हैं, इसमें सेल पड़ते हैं। ठीक है जी,
क्या चीज़ है। अरे ओ गांव वालों, अरे जरा आके देखो, सर कटा भाग गया है। अहो, जान बचा सको तो यहाँ से भाग लो भैया, वरना सर कटा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हम बता रहे हैं। अरे कौन है? अरे तमाशा, अरे क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? अरे स्ट्रीट टू आने वाली कौन है? यूट्यूबर कोई नाला क्यों कर रहा है? खाई है, मुंडी कटा है, वो है, ये तमाशे कर रहा है वो। अरे जनता को बचाने आया हूँ मैं। अबे तो जनता को कैसे बचाएगा, खुद तो बच ले इतनी जनता से। अरे क्या है कि सरकटा सबको खा जाएगा भाई साहब। अबे कौन सा सरकटा खा जाएगा? ये देखो, अबे ये सरकटा थोड़ी है। नहीं मानते, कोई नहीं मानेगा आज मेरी बात। जब तक सभी के साथ नहीं बीतेगी कोई नहीं मानेगा मेरी बात। और भुगतो, ये पागल बना रहे थे लोगों को, मारो इनको। इसके नीचे से दिखाता हूँ आईफोल टावर कैसा है। ये है जी आईफोल टावर, चंडीगढ़ का मशहूर आईफोल टावर, जो के बहुत ज़्यादा गानों की लोकेशन में यूज़ हो चुका है। ये देखो जी, बंदा साइकिल पे बैठ गया। यहाँ पे कलाकार आते ही जा रहे हैं, नए नए कलाकार जैसे ही तैयार होते हैं और इधर आ जाते हैं तैयार होके। ये देखो जी कैसे इसने हाथ में उठाया हुआ है इस बंदे को, और ये ऊपर चढ़ के बैठा है। माशा ऐनक लगाई हुई है, चश्मा लगा के। ओहो क्या बात है, ये छोटे भाई साहब। तो जी ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब मार लीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।